तो यार वेलकम बैक गाइस। आईपीएल 2008 के वो पहले मैच की ब्रेंडन मैककलम की 158 रन की नॉक आज तक किसी ने नहीं भूली होगी, वो नॉक एक नंबर थी। पर यार गाइस आगे बात ऐसी हो रही है कि अब 2018 के आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने ब्रेंडन मैककलम को कर दिया है रिलीज, और 2019 के आईपीएल के ऑक्शन में ब्रेंडन मैककलम देखते हैं सोल्ड होने वाले हैं कि अनसोल्ड होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि बेसिकली कौन कौन सी टीमें ब्रेंडन मैककलम के पीछे पड़ने वाली है, कौन कौन सी टीमें इंटरेस्टिंगली ब्रेंडन मैककलम के ऊपर बिड करने वाली है, कौन उनको 2019 के आईपीएल में अपनी टीम में रखना चाहती है। तो वीडियो पूरा देखना, वी विल स्टार्ट राइट नाउ। तो यार गाइस बहुत ही हाई लेवल का दिमाग दौड़ाया है मैंने और ये देखा है कि आखिरकार कौन कौन सी टीमों को जरूरत है ब्रेंडन मैककलम की और कौन कौन सी टीमें अपनी टीम में ब्रेंडन मैककलम को खिलाना चाहती है। बहुत ही लंबा चौड़ा मैच था, देखें कुछ तीन टीमों को शॉर्टलिस्ट किया है मैंने जो ब्रेंडन मैककलम के पीछे जरूर से जरूर पड़ने वाली है। पहली टीम की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स की टीम का नाम आता है निकलकर। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने अभी हाल फिलहाल में डार्सी शॉट को अपनी टीम से रिलीज किया है, अपनी स्क्वाड से रिलीज किया है, तो उसके एज ए रिप्लेसमेंट ब्रेंडन मैककलम को राजस्थान रॉयल्स की टीम खरीद सकती है। वो एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप जॉस बटलर के साथ कर सकते हैं और राजस्थान रॉयल्स की अच्छी खासी ओपनिंग ब्रेंडन मैककलम करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ब्रेंडन मैककलम के पीछे राजस्थान रॉयल्स की टीम नंबर एक पे पीछे पड़ने वाली है। नंबर दो पे बात आती है दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम की। तो यार गाइस दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम ने जेसन रॉय को रिलीज किया है और गौतम गंभीर दोनों को रिलीज कर दिया है। तो एज अ ओपनर सिर्फ एक शिखर धवन ही बचे हैं। शिखर धवन को उनको ट्रेड के माध्यम से लिया था, तो एज अ ओपनर सिर्फ शिखर धवन ही है अब दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम में। तो ऐसे में ब्रेंडन मैककलम को चाहेगी कि दिल्ली की टीम ब्रेंडन मैककलम को ले और एज अ ओपनर शिखर धवन और ब्रेंडन मैककलम उनकी ओपनिंग करते दिखाई दे सकते हैं और ब्रेंडन मैककलम शायद उनकी कप्तानी भी संभालते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि गौतम गंभीर को रिलीज कर दिया है, श्रेयस अय्यर एक ज़्यादा डिपेंडेबल कैप्टन नहीं है, तो ऐसे में ब्रेंडन मैककलम को एक कैप्टन के रूप में भी देख सकती है दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम। तीसरे नंबर पे नाम निकल कर आता है हैदराबाद की टीम का। हैदराबाद की टीम ने शिखर धवन को रिलीज कर दिया है, रिद्धिमान साह को रिलीज कर दिया है और साथ ही साथ डेविड मॉर्नर का कोई भरोसा नहीं है कि वो खेलने आएंगे कि नहीं आएंगे। तो एज अ ओपनर सिर्फ बचते हैं केन विलियमसन भी ओपनिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं और केन विलियमसन के साथ अगर ओपनिंग करने आएंगे ब्रेंडन मैककलम तो अच्छी पार्टनरशिप होगी, हैदराबाद को अच्छा स्टार्ट दिला सकते हैं ये दोनों। तो हैदराबाद भी इनके पीछे जरूर से जरूर पड़ सकती है, ब्रेंडन मैककलम को हैदराबाद की टीम खरीद सकती है। तो यार गाइस इस छोटे से वीडियो में हमने ये देख लिया कि दिल्ली, राजस्थान रॉयल्स और हैदराबाद ये तीनों टीम ब्रेंडन मैककलम के पीछे पड़ सकती है। इन तीनों टीम को एक फॉरेन विदेशी खिलाड़ी की ज़रूरत है जो कि ओपनर हो, स्पेशली एक ओपनर की ज़रूरत है इन तीनों टीमों की। तो अब देखते हैं कौन खरीदता है ब्रेंडन मैककलम को। यार गाइस एक और बात बताऊँ तो ब्रेंडन मैककलम का फॉर्म हाल फिलहाल में बहुत ही अच्छा चल रहा है। जो दुबई में T10 लीग चल रही है उसमें भी अभी 21 रन में अराउंड उन्होंने हाफ सेंचुरी मारी थी, 21 रन में 50 रन उन्होंने बनाए थे, तो फॉर्म भी बड़ा ही अच्छा चल रहा है ब्रेंडन मैककलम का। तो 2019 के आईपीएल में ये तीन टीमें हमको खरीदते हुए दिख सकती है ब्रेंडन मैककलम को। आगे ही ऐसी आईपीएल की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को जरूर से शेयर करना। अगर आप भी मेरी तरह ब्रेंडन मैककलम के फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। बाय गाइस।